हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोज़ाना। मैं इससे पहले बात कर चुका हूं कि न्यू पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट का करेक्शन कैसे करवाएँगे, पासपोर्ट का रिन्यूअल कैसे कराएँगे। तो अब मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आने लगा है और उस सब में एक ही बात पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए कि जब हम ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं तो इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि मेरा पासपोर्ट कहां तक आया हुआ है और उसको हम ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से, आप अपने लैपटॉप से घर बैठे ये चेक कर पाएंगे कि आपका पासपोर्ट का स्टेटस क्या है और वो कहाँ पर फंसा हुआ है, कहाँ पर आके रुका हुआ है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से आपको दिखाया हूं कि आपके पासपोर्ट का स्टेटस क्या है और कहां आपका पासपोर्ट रुका हुआ है या फंसा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद हमें ये टेंशन रहता है कि थाने में कब तक मेरा वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका वेरिफिकेशन हो भी जाता है तो ये टेंशन रहता है कि कब तक मेरा पासपोर्ट आएगा। तो बहुत सारे यूजर्स हैं ये टेंशन में रहते हैं कि मेरा पासपोर्ट कब तक आएगा, पुलिस वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो उस सब को चेक करने के लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से जाने के बाद आप इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये न्यू टैब ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट एप्लीकेशन टॉपिक, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाता है, पासपोर्ट, पीसीसी, आईसी और जीईपी, आपको पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका फाइल नंबर आपको डाल देना है। ध्यान रहे कि फाइल नंबर जो है आपका 13 अंक होता है और 2 है स्पेशल करेक्टर भी नहीं होता है, यानी आपका 2 कैपिटल लेटर रहेगा और 13 नंबर रहेगा, स्पेशल करेक्टर नहीं रहता है। तो आप देखिएगा आपका जो स्लिप मिलता है या जिसका भी जो नया पासपोर्ट जाता है वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के लिए वहाँ से आता है तो उसको एक स्लिप मिलता है, तो वहाँ पे फाइल नंबर करके ही लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर फाइल नंबर है उसी तरह करके फाइल नंबर करके लिखा रहता है। तो आपको 2 कैपिटल लेटर रहेगा और 13 को नंबर रहेगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना। चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। इस तरीके से आपको फाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। देखिएगा वो स्लिप मिला रहेगा उस पर भी रहेगा और आपको तो खुद याद रहेगा। तो आपको इस कैलेंडर में से जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ से ईयर को चूज कर लेना है और आपको यहाँ पे मंथ चूज कर लेना है, कौन सा मंथ है आपको इसमें से चूज कर लेना है। चलिए हम इसमें से मंथ चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपको डे भी इसमें से इसी तरीके से डे भी चूज कर लेना है। डे चूज करने के बाद आपको सब कुछ ओके हो जाएगा। इसके बाद सिंपली ट्रैक स्टेटस पर आपको ओके कर देना है। जैसे इस पे ओके कीजिएगा, देखिए आपके सामने में पूरा बायोडाटा ये ओपन होके आ जाता है। यहाँ आपका फाइल नंबर आ गया, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ गया, यहाँ गिवन नेम आ गया, जो भी नेम है यहाँ, सर नेम, यहाँ पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्या है नॉर्मल, यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन, जो डेट है वो डेट आ चुका है, और स्टेटस यहाँ पर आपका शो कर रहा है कि पेंडिंग फॉर फिजिकल पुलिस वेरिफिकेशन एट रिसीव थाना अंडर एसपी ऑफिस, मतलब अभी ये एसपी ऑफिस के अंदर में वेरिफिकेशन के लिए, जैसे ही आपका ये एसपी ऑफिस से आपके जो गांव है, कस्बा है, वहाँ पे आएगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद फिर आपके ये पासपोर्ट ऑफिस जाएगा, जो भी जो फाइल सब है, इसके बाद फिर से आपका जो है पासपोर्ट आपके बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको इसी तरीके से बहुत ही सिंपल और आसानी तरीके से चेक कर लेना है कि आपका पासपोर्ट का स्टेटस क्या है और नहीं है। तो गाइस इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके से नया नया वीडियोज़ पाइए आप मेरे चैनल पर रोज़ाना।